राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को पार्टी में जगा दी, मतलब डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। ये मुकाबला रोचक मीडिया के लिए तो हो ही गया है, हमारे लिए तो रोचक इसलिए नहीं है कि मुझे हंसी आती है कि डूबते को तिनके का सहारा ऐसा आपने यहाँ कहते हैं। वास्तव में किसी को लड़ाना चाहिए था, जब कोई नहीं मिला तो मानवेंद्र सिंह जी को उनके सामने खड़ा कर दिया। ये लड़ाई और रोचक होती यदि मुख्यमंत्री के सामने पुराने मुख्यमंत्री आते तो और रोचक हो जाती, लेकिन क्योंकि वसुंधरा जी का मुकाबला करने के लिए उन्होंने जो अपने लोगों को तलाश किया तो कई उपयुक्त लोग नहीं मिले, लोग थे तो वो डर से तैयार नहीं हुए और निश्चित रूप से वहाँ वसुंधरा जी पिछले चुनाव की तुलना में भारी बहुमत से जीतेंगी। तो देखा आपने किस तरह से मदन लाल सैनी ने मानवेंद्र सिंह पर निशाना साधा। वैसे आपको बता दें, मानवेंद्र सिंह पहले बीजेपी में थे लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। SP9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।